कि स्टूडेंट को नंबर्स की हरकत दिखाई नहीं दे रही है, मैं समय के लिए इसी सीएलपी पे अपनी पोजीशन की बदली कर सकता है। वर्तन देखो बड़ा थोड़े बड़ा हो मेरी पूछो अवेलेबल नंबर्स मिले क्लास में। श्रीमान श्रीमान फॉर प्रैक्टिस शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान क्लास को आराम से कैप करें। फॉर शुरू करने से पहले फॉर्टीन से बाकी तो चंदे रहते देना जरूर समझता हूं ताकि आपको आगे चलकर फॉर पकड़ने में आसानी हो। फॉर्टीन से बाकी मेरे भाई आपके दाएं चेयर पे बैठे चार पांच सबसे बड़े एच आई बलबीर उन्हीं के दाएं एच आई मुख्तार नंबर एक रेफरल ग्रुप का काम करेंगे। नंबर तीन पर एच आई अजय और अंत में एच आई अमर नंबर दो रेफरल ग्रुप का काम करेंगे। मैं एच आई बलबीर सिंह इस कॉन्फिडेंट के दौरान नीचे उपस्थित काम करूंगा। मेरा गत जगह से नमूना देना क्लास का गत जगह बैठे होना साथ ही मेरा और क्लास का इक्विपमेंट ना पहने होना इसको भी आप फॉर्म में शामिल नहीं करेंगे। शुरू शुरू की कार्रवाई में बंदोबस्त की कार्रवाई पहले से कर दी गई है इसे भी आप फॉर्म में शामिल नहीं करेंगे। 5.56 एमएम छात्र राइफल में खाली मैगजीन को भरा हुआ समझना एक ही मैगजीन का बार बार इस्तेमाल करना साथ ही ड्रिल पैड का इस्तेमाल ना करना इसको भी आप फॉर्म में शामिल नहीं करेंगे। जहां पर सेक्शन वाइज राइफल का ना होना साथ ही चाल के डायग्राम का ना बना होना इसको भी आप फॉर्म में शामिल नहीं करेंगे। चेंज लीवर की पोजीशन आपको देख पाना संभव नहीं है इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं रखा गया है इसको भी आप फॉल्ट में शामिल नहीं करेंगे। रखे गए फॉल्ट के अलावा मैं जहाँ नंबर कोई गलती करते हैं मैं उसमें समय समय पर सुधार लाता हूँ उसको भी आप फॉल्ट में शामिल नहीं करेंगे। जब मैं कहता हूँ फॉल्ट शुरू होते हैं आप लिखना शुरू करेंगे जब मैं कहता हूँ फॉल्ट समाप्त होते हैं आप लिखना बंद करेंगे। तो लीजिए साइबर आज के फॉल्ट 5.56 में सात राइफल पर बेसिक के तरीके से चलाए जाते हैं। फॉल्ट शुरू होते क्लास खड़ा हो बेंच गिरकर एक दो तीन चार अब एक और दो नंबर एक रैपिड ग्रुप तीन और चार नंबर दो रैपिड ग्रुप क्लास आराम से बैठ जाए से नंबर एक रैपिड ग्रुप थाने मेरी क्वेश्चन सीपीओ तरीके से हथियार पास मार का नक्शे कर दे। हथियार पास मार का नक्शे करना क्यों जरूरी है अच्छा है अजय यहाँ स्वर की टूटफूट को चेक करने के लिए अपने तथा अपने साथी की जान सलामती के लिए साथ ही हथियार को जिस मकसद के लिए निकाला उसको पूरा करता उत्तर नहीं रक्षण करते समय किन किन हिस्से पुटे को चेक किया जाता है अच्छे अमर फायर और इसमें काम आने वाले हिस्से पुटे को चेक किया जाता है उत्तर नहीं गुड्डू मुख्तार यार तेरा मोर वाला मोशन जहां पर असेसरी पोज को खोलकर चेक करना करना इसको भी आप फॉर्म में शामिल नहीं करेंगे। रिपोर्ट नंबर एक रखे थी नंबर दो रखे थे नंबर्स मिले क्लास में 5.56 में सात राइफल का साइड रेडियस कितना है अच्छा ये अजय 470 एमएम उस्ताद ठीक एक इंसानी टारगेट पर कितने पॉइंट ऑफ एम दिए जाते हैं अच्छा ये बलबीर दो पॉइंट ऑफ एम उस्ताद ठीक जहां पर पहुंच नहीं बताई जा रही है इसको भी आप फॉर्म में शामिल नहीं करेंगे। सुने सबक का उद्देश्य 5.56 में सात राइफल की चाल पड़ने वाली रोके और उन्हें दूर करने का तरीका सिखाना है। उद्देश्य को एक बार फिर सुने 5.56 में सात राइफल की चाल पड़ने वाली रोके और उन्हें दूर करने का तरीका सिखाना है। सबक स्मरणीय समान 5.56 में सात राइफल मैगजीन ड्रिल कार्ड्स ब्रेक क्लेरी प्लग चंदीप असेसरी पोच क्लास के दाहिने मनासुब दूरी पर लगा हुआ 1x1 फीट टारगेट क्लास के सामने लांग इजर मेटालिक पोर्ट चाक और डस्टर हथियार पास मन की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार से ग्राउंड शीट का विषय होना नंबर दो रेफर को पढ़ने गया नंबर दो रेफर को पढ़ने जहां तक किए गए कार्रवाई तथा बयान में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल किस प्रकार से दूर करता है इसी कार्रवाई का नमूना
मैं हथियार पर बयान के साथ दूंगा कला देखे जिन्हें कुछ उठाए रेफल आप भाई कुछ बात सड़ रहे हैं दोस्तों रेडी सामने वन बाई वन फिट टारगेट सिंगल शॉट फायर सुने इस प्रकार ट्रिगर प्रेस करने से रेफर फायर ना करे या फायर करते करते रुक जाए तो कार्रवाई फौरी लाजती करे करने का तरीका सबसे पहले कलमे वाली उंगली को बाहर निकाले बट कंधे का मला तोड़े राइफल को दाहिने टर्न करे रेफर को ताक करे फोर्टी ओपनी फायर गए मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारे खाली मैगजीन को पोच में बंद करे पोच से भरा हुआ मैगजीन ले निरीक्षण करते हुए मैगजीन में फिट करे यकीन करे मैगजीन फिट और चाल वाले कुछों को आगे रहने बट कंधे का मला करे राइफल को फायर में शामिल करे राइफल ठीक फायर करेगी इस प्रकार राइफल को एक बार का करने से होल्डिंग अपनी डिवाइन लगाने से और मैगजीन की बदली करने से तीन प्रकार की रोकें दूर होती है खाली मैगजीन मिसफायर बॉडी में अटका हुआ रोड या फायर केस फौरी लाजती कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं सवाल नहीं फौरी लाजती कार्रवाई कर चुकने के बाद भी राइफल ठीक फायर ना करे या फायर करते करते रुक जाए तो रोक को पहचाने का तरीका सबसे पहले कलमे वाली उंगली को बाहर निकाले बट कंधे का मला तोड़े राइफल को दाहिने टर्न करे राइफल को का करे देखने में आया राइफल आसानी से काम नहीं तो सख्त चाव की रोक क्षमता दूर करे करने का तरीका सबसे पहले राइफल को नीचे रखें और नीली पुशन तय करें बाएं हाथ से इस प्रकार से राइफल को उठाएं कि बैरल तकरीबन 45 डिग्री के एंगल में हो इस पोजीशन में देखने वाली बातें बैरल तकरीबन 45 डिग्री के एंगल में बाएं हाथ की पकड़ फ्रंट एंड गार्ड पर चारों उंगलियां नीचे से अंगूठा ऊपर से मैगजीन क्लास के बटलाव इजेक्शन स्लॉट नीचे की तरफ बट इस प्रकार से घुटने के साथ लगा हुआ घुटना बट को पीछे जाने से रोकता है दाएं हाथ की कलमे वाली उंगली और अंगूठे की मांस काफी पीस को खड़ा करें चारों उंगलियों का हुक बनाते हुए एक ही झटके से राइफल को का करें यकीन करें सख्त चाप की रोक दूर और शॉट आउट करें सख्त चाप की रोक दूर और चाल वाले पुर्जों को आगे जाने दें राइफल को पहले वाली पोजीशन में नीचे रखें लाइन पोजीशन तय करें बट कंधे का मलाप करें राइफल को फायर में शामिल करें राइफल ठीक फायर करेगी सख्त चाप की रोक पड़ने के कारण गंदा चैम्बर मेला अमृतसर कोई लाज और सख्त जाप की रोक में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो राइफल ठीक फायर करता खाली का आप नीली पुशर रखे राइफल स्मोक ब्लिक ट्रिगर पर यहां से दिखाई नहीं है ये तो मुश्किल है इधर तो नंबर एक राइफल ठीक नंबर मिले क्लास में राइफल ठीक फायर करता खाली कर
पोजीशन रखे राइफल। नंबर साहब पीछे अब रिपोर्ट। नंबर 1 राइफल टेक, नंबर 2 राइफल टेक, नंबर प्ले क्लास में जहां पर नंबर 1 राइफल ग्रुप का अभ्यास नहीं लिया जा रहा इसको भी आप पार्ट में शामिल नहीं करेंगे। भाग नंबर 2 आप अभ्यास सीख चुके हैं अभी बताऊंगा। भाग नंबर 3 गैस की कमी की रोक, जहां पर भाग नंबर 3 ना ही चलाया जा रहा है ना ही इसका अभ्यास लिया जा रहा है इसको भी आप फॉर्म में शामिल नहीं करेंगे। भाग नंबर 3 आप अभ्यर्थी छी चुके हैं अभी बताऊंगा। भाग नंबर 4 अन्य रोगों को एक वायरस किस प्रकार से दूर करता है इसी कार्रवाई का नमूना मैं हथियार पर बयान के साथ दूंगा। करा देखे नीली पूछन उठाए रेफल आप आए पूछन बाहर साइड रेंज 200 रेडी सामने 1/1 फीट टारगेट सिंगल शॉट फायर। सुने कोरी लाज सख्तचाप और गैस की कमी की रोक को दूर कर लेने के बाद भी राइफल ठीक फायर ना करे या इस प्रकार से ट्रिगर दबाने से फायर हो जाए और चार वाले पुतों से अलग थलग सी आवाज आए तो अन्य रोग संस्कार दूर करें। करने का तरीका सबसे पहले कमे वाली उंगली को बाहर निकाले बट कंधे का मला तोड़े मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारे राइफल को का करें चार वाले पुतों को आगे जाने दे और राइफल को सीखे हुए तरीके से खोल दे। फायरिंग पिन और एक्सट्रैक्टर का निरीक्षण करें यदि इनमें से कोई भी टूटा है तो उसकी बदली करें। फायरिंग पिन एक्सट्रैक्टर ठीक हो सकता है चैम्बर में कटा हुआ केस तो चैम्बर का निरीक्षण करें। करने का तरीका दोनों हाथों की पकड़ इस प्रकार से पिस्टल ग्रिप पर और राइफल को चेस्ट लेवल में ले जाए और चैम्बर का निरीक्षण करें। देखने में आया चैम्बर में कटा हुआ केस तो राइफल को सीधे तरीके से जोड़ दें। रैपल को का करें होल्ड में अपनी डिवाइस लगाएं और रैपल को इस प्रकार से बाइक लाई के ऊपर रखें। नाम क्लीयरिंग प्लग बेस और सेंटर पिन को टाइट करें। दाएं हाथ की कलमे वाली उंगली और अंगूठे की मांस से चैंबर में दाखिल करें। चार वाले पुर्जों को आगे जाने दें। रैपल को दाहिने टर्न करें। रैपल को का करें और होल्ड में अपनी डिवाइस लगाएं। यकीन करें कि क्लीयरिंग प्लग के साथ कटा हुआ केस बाहर अनस्क्रू की कार्रवाई करें। यदि समय ना हो तो अनस्क्रू की कार्रवाई कर ली जाए। क्लीनिंग प्लग के साथ कटा हुआ केक बाहर कोर से भरा हुआ मैगजीन लें। निरीक्षण करते हुए मैगजीन बे में फिट करें। यकीन करें मैगजीन फिट मौका मिलते हैं। चार वाले पुर्जों को आगे जाने राइफल को फायर में शामिल करें। राइफल ठीक फायर करेगी। चैम्बर में केस कटने के कारण चैम्बर का अधिक मात्रा में गर्म हो जाना या अमनिशन के मेटल का कमजोर होना अन्य रोग में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो रैपर ठीक बार करता खाली का। अब नीली पुशन के रैपर जहां पर मेरे द्वारा क्लीनिंग प्लग को खोल के अनस्क्रू की कार्रवाई ना करना इसको भी आप फाट में शामिल नहीं करेंगे। अनस्क्रू किया अब रिपोर्ट। नंबर 1 राइफल ठीक, नंबर प्ले स्थान पर एक बार क्लीनिंग प्लग के साथ कटा हुआ केस बाहर ना आने के कारण बेस और सेंटर पिन का टाइना स्लीप का उल्टा जुड़ा होना या स्लीप के हेड का घिसा होना या इनमें से किसी एक पार्ट का टूटा होना चेक का नमूना अभी होगा अभ्यास। अभ्यास के लिए आदेश इस प्रकार के होंगे। राइफल ठीक फायर करता रुकता फायर नहीं के आदेश पर आप अन्य रोग संस्कार दूर करोगे। आदेशों में किसी भी स्टूडेंट का सवाल सवाल नहीं तो नंबर 1 राइफल ग्रुप सवाल है। नीली पुशन उठाए राइफल लाइव पुशन बाहर साइड रेंज 200 रेडी सामने 1/1 की टारगेट सिंगल शॉट फायर। राइफल ठीक फायर करता रुकता फायर नहीं अन्य रोग फायरिंग पिन सेक्टर ठीक हो सकता है चैंबर में कटा हुआ केस चैंबर में कटा हुआ केस चैंबर में कटा हुआ केस
प्लग इन प्लग का इस्तेमाल बेस और सेंटर पिन को टाइट किया, चैम्बर में दाखिल किया। क्लीनिंग प्लग के साथ कटा हुआ केस बाहर, नहीं तो जहां पर लेसन समाप्त है क्लास कोर्स कैपेड सुन चीज नहीं दिया।